गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वामिता। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेटा एंट्री के जॉब अपडेट लेकर आई हूँ, जो कि आपका बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली घर बैठे इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। इस कंपनी की तरफ से आज का ये ओपनिंग आया हुआ है, वो है टेनिक्स अकेडमी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में। ये एक एटिक स्टार्टअप है, यहाँ पर कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह आपको सिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये सारा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, जिस प्रोफाइल पे आज ओपनिंग आई हुई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से बिलोंग करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको कंपनी सैलरी कितना प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर आपके पास कितना एक्सपीरियंस होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, सारा कुछ जॉब डिटेल्स पहले सुन लेना। उसके बाद अगर आप सारे डिटेल्स को यहाँ पर एग्री करते हैं तो आप इस जॉब के लिए यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। नाउ इसी के साथ चलते हैं आज की नोटिफिकेशन की तरफ। आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टेनिक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आज की ओपनिंग आया हुआ है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलने वाला है, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर में दिया हुआ है डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल आपका यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद फिर रिमोट, मतलब कि आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आप सिंपली घर बैठे यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस, 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पर ये वाला पोर्शन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रूवन एक्सपीरियंस एज डेटा एंट्री क्लर्क, प्रूवन एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है एज डेटा एंट्री क्लर्क या फिर डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव। के बाद जब आप थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स, 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा हुआ है। सो दो जगह पे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सजेशन यही रहेगा कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री से रिलेटेड, लाइक अगर आपने किसी फार्मेसी में काम किया है एज अ डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, या फिर एज अ फ्रीलांसर अगर आपने कोई भी डेटा एंट्री का काम किया हुआ है एंड आपके पास में 6 months का या फिर 1 year का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस जॉब के लिए यहाँ पर डेफिनेटली एलिजिबल हैं। इसके अगर हम बात करें देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाला है एंड ये आपका एक एंट्री लेवल का जॉब अपडेट होने वाला है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आपका एक एंट्री लेवल का जॉब अपडेट होने वाला है। सैलरी की अगर हम बात करें देन 8,000 से लेकर 10,000 पर मंथ की सैलरी आपके यहाँ पर होने वाली है। सो अगर आप इस सैलरी में इंटरेस्टेड है देन आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है। उसके बाद एडुकेशन में आप लोग देख सकते हैं एनी ग्रेजुएट, सो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया हुआ है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, आप सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की अगर हम बात करें देन यहाँ पर 2-3 स्किल्स ही मांगी हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है टाइपिंग स्पीड, आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत ही बढ़िया होना ज़रूरी है, तो आप इस जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाद है एमएस वर्ड एंड एक्सेल, एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के वर्क करने के लिए। आपको कौन से टूल का यूज़ करना है, यहाँ पर किस तरीके से आपको फिल्टर का यूज़ करना है, कितने एरेज आपको यहाँ पर यूज़ करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज का होना ज़रूरी है, तो आप इस जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको एक्सेल आती है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती है देन आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं, आप वहाँ से फ्री में एक्सेल को सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और थोड़ा अच्छे से एक्सेल को जानना देन आप कोई कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल फ्री में भी सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग इज़ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होना ज़रूरी है, आपको कंप्यूटर को यूज़ करना आना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से स्किल्स यहाँ पर मांगी हुई है, सो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं देन आप इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सो ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई का बटन, आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। एक तो है अप्लाई विद लिंक्डइन एंड दूसरा है यहाँ पर आपको इस छोटे से फॉर्म को फिलअप कर लेना है, लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि लिंक्डइन के साथ सिंक मत करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो लोग देख लेते हैं। तो इसलिए सिंपली इस बेसिक से फॉर्म को फिल कर लेना है एंड यहाँ पर अप्लाई कर लेना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, आपका करेंट सिटी से अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं एंड आपका एक्सपेक्टेड सिटी से कितना है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना रिज्यूमे जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से अप्लाई प्रोसेस है। आई होप फॉर द बेस्ट कि आप में से जितने लोग यहाँ पर अप्लाई करें उनको जल्द से जल्द यहाँ पर रिवर्ट बैक आ जाए। ये थी आज की वो जॉब ओपनिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे न्यू न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।